आप सबको नमस्कार। काफ़ी समय के बाद से एक नए वीडियो को अपलोड करने का मौका मिल रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने IIBF के जो एग्ज़ाम है BCBF, इसकी पूरी किताब को अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप सबको बताया था। उसके बाद जो 100 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिट क्वेश्चंस थे, उसके दो दो वीडियो बनाए और वो दोनों वीडियो भी अपलोड किया। उन वीडियो को देख करके हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने IIBF के एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास किया। और पिछले 1 सालों से अब ये देखने में आया है कि अधिक पास परसेंटेज को देखते हुए IIBF ने जो परीक्षा का स्तर है उसको थोड़ा कठिन कर दिया है, और जो सवाल आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो थोड़े स्टैंडर्ड के आ रहे हैं, थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो उन सवालों को है जो पिछले साल भरों में ज़्यादातर पूछे गए हैं, और आने वाले समय में 23 या 24 के एग्ज़ाम्स में अपेक्षित हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2024 में IIBF के BCBF एग्ज़ाम में संभावित हैं, पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है इस वीडियो का 50 प्रश्नों में, वो है कि जो रीजनल रूरल बैंक या RRBs हैं, उसके जो स्वामित्व है, उसका जो ओनरशिप है, उसमें जो कैपिटल लगता है, पूंजी लगती है, वो कैसे बटा हुआ है। आपको मालूम है कि RRBs की स्थापना गांव में जो बैंकिंग की सेवाएं हैं उसको देने के लिए किया गया था, और इसमें तीन पार्टनर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और प्रायोजित कोई स्पॉन्सर बैंक होता है। तो इन तीनों के बीच में जो पूंजी है उसका उसका वितरण कैसे है। तो उत्तर ये है कि केंद्र सरकार इसकी आधी पूंजी देती है, संबंधित राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंक जो स्पॉन्सर बैंक है जो 35% देता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बैंक के खाते को वैधानिक रूप से हम किसी को प्रकट नहीं करते, मतलब जो बैंकर्स होते हैं अपने कस्टमर की जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, तो ये कौन से नियम के तहत होता है। इसका उत्तर है कि जो बैंकिंग कंपनी अधिनियम एक्ट 1970 है, जिसके तहत भारत में बैंकों की स्थापना हुई थी, तो वो उसके तहत हम ये जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये है कि यदि आप चेक या बिल बैंक में जमा करते हैं तो उस केस में बैंक और ग्राहक के बीच में किस तरह का संबंध होता है। उत्तर ये है कि इस केस में जब बैंकर एक ऋणी, एक मतलब डेटर होता है, और जो ग्राहक होता है वो एक क्रेडिटर का काम करता है। चौथा क्वेश्चन ये है कि जो BCA है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स हैं, उसमें से इन में से कौन से गुण उनको नहीं होने चाहिए, मतलब इसमें से कौन से कथन जो है सो वो गलत हैं। तो देखिए, उसे ग्राहक के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उसे वित्त और वित्तीय उत्पादों पर समझ होनी चाहिए, उसे अपना आत्मविश्वास और कौशल बढ़ाना चाहिए, उसे वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री को बढ़ावा। देखिए, ये बहुत ही क्लियर है कि भाई कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसको मिस सेल आपको नहीं करना है, तो ये गुण उनके पास नहीं होना चाहिए, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम या IMPS होता है, IMPS के बारे में इन में से कौन से वक्तव्य कथन सही हैं। यह सार्वजनिक छुट्टियों सहित पूरे वर्ष और समय पर IMPS हमेशा उपलब्ध होता है, इंटरनेट या ATM या मोबाइल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो MMID होता है वो 7 अंकों का है, और MPIN इसके लेन देन का पासवर्ड है। तो इसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। उत्तर यह है कि ये ऊपर उक्त तीनों ही कथन IMPS के लिए सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि BCA के रूप में यदि कोई ग्राहक आपके पास आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ग्राहक जो है सो इनडिसिसिव है, या कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो मान लीजिए वो कुछ ऐसा कहता है कि भैया मुझे कुछ पता नहीं है क्या करेंगे, या वो ये कहता है कि मैं आना चाहता हूँ, या वो अपने जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में कोई शिकायत करता है, या ऐसा व्यवहार करता है कि बैंक के सब कुछ जानते हो। तो जो सही उत्तर है वो ये है कि यदि कोई ग्राहक इनडिसिसिव है तो वो कहेगा साहब मुझे पता नहीं है, शायद ये क्या होगा वो क्या होगा, तो ये इसका ये जो है सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि जो अटल पेंशन योजना है उसके इंट्री लेवल, उसके उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो इंट्री लेवल है उसके लिए एज की क्या रेंज है।
तो उत्तर ये है 18 से 40 साल, 18 से 40 साल के लोग अटल पेंशन योजना के रूप में एंट्री कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एनपीसीआई जो है ये एक ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंट एंड एक केवाईसी सर्विस एजेंट, इन दोनों के रूप में काम करता है, इसका मतलब क्या है? मतलब एएसए एंड केएसए के रूप में काम करने का मतलब क्या है? उत्तर ये है कि एनपीसीआई क्या करता है कि ग्राहकों से डेटा लेता है, उसे सर्टिफाई करता है, उसे वेरीफाई करता है और ग्राहक को उस वेरिफिकेशन के बेसिस पे यस और नो की प्रतिक्रिया देता है। ये जो है एनपीसीआई एज एन ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंट एंड एज ए केवाईसी सर्विस एजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का प्रभावी रूप नहीं है, मतलब जब बात करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन सा इसमें इफेक्टिव नहीं है? सलाह देना, साक्षात्कार, सुनवाई या परामर्श। उत्तर ये है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, मतलब कम्युनिकेशन का बहुत इफेक्टिव माध्यम इन चारों में से उसको नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डाउटफुल असेट का डिफिनीशन पूछ रहे हैं, तो डाउटफुल असेट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसको गौर कीजिएगा तो डाउटफुल जो असेट होता है बैंकों में एनपीए का कैटेगरी है, वो वैसा होता है जो 12 महीने के लिए सब स्टैंडर्ड रहता है, तो वो क्या होता है, डाउटफुल हो जाता है। तो ये बी को छोड़ करके बाकी जो तीन है वो डाउटफुल के बारे में सही कथन नहीं है, इसलिए सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि बैंकें कोई डिमांड ड्राफ्ट इशू करते हैं तो कितने रुपए और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ अकाउंट पे ही होने चाहिए? उत्तर है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का से ऊपर का कोई भी अकाउंट माने डीडी बैंक इशू करेगा तो उसको अकाउंट पे ही करेगा, मतलब उसका पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं होगा, उसको थ्रू अकाउंट के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। जो कस्टमर सर्विस पॉइंट्स है इसमें जमा या लेन देन करने के लिए कौन सा चरण आवश्यक नहीं है, विच स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें गौर कीजिएगा तो इसका जो पहला जो कथन है, ग्राहक को स्मार्ट कार्ड सीएसपी वो लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो डिटेल्स होते हैं वो बायोमेट्रिक वहाँ से सत्यापन उसका किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ लॉन्च किया गया था, इसमें से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रासंगिक, मतलब सही तरह से प्रधानमंत्री जनधन योजना को डिफाइन करता है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को सही मायने में डिफाइन करने वाला सेंटेंस सेंटेंस नंबर बी है, जो ये कहता है कि यह एक बुनियादी बैंकिंग खाता जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो एक्सक्लूडेड लोग हैं उनको और एक कंप्रिहेंसिव रूप में रुपए डेबिट कार्ड और बीमा के माध्यम से उपलब्ध कराने की एक मुहिम भारत सरकार ने इसको शुरू की थी, इसको हम प्रधानमंत्री जनधन योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसमें से कौन सा एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है, मतलब कौन सा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, बैलेंस पूछताछ, लेन देन अलर्ट, डीटीएच रिचार्ज और मिनी स्टेटमेंट। उत्तर है डीटीएच रिचार्ज, मतलब डीटीएच रिचार्ज जो है सो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, मतलब इसमें आप कुछ अमाउंट को चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो बाकी के तीन ऑप्शन हैं इसमें अमाउंट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो फाइनेंशियल नहीं, ये सारे सारे गैर वित्तीय लेन देन कहे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिक्स और फ्लोटिंग ब्याज दर के बीच अंतर ये जो है सो क्या है और इसमें से कौन सा कथन सही है, फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। इसमें जो है फिक्स या जो निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये जब आपने एक रेट फिक्स कर दी तो पूरे अवधि, मतलब जब तक आपने लोन लिया तब तक वो चेंज नहीं होगा, जबकि जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो बाज़ार में इन्फ्लेशन है या मुद्रा है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब ये फ्लोट करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आरबीआई द्वारा एक डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बनाया गया है और जिसमें जो बैंकों के इनऑपरेटिव अकाउंट हैं उसके बैलेंस को वहाँ ट्रांसफ़र करने की सलाह दी गई है। अब प्रश्न ये है कि भाई ये जो इनऑपरेटिव अकाउंट है ये कितने सालों के बाद से इनऑपरेटिव हो जाते हैं और फिर आरबीआई को वो ट्रांसफ़र हो जाता है? आंसर है 10 साल। यदि 10 साल इसमें ऑपरेशन नहीं होगा तो इसका जो बैलेंस है ये आरबीआई के डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को ट्रांसफ़र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि डीबीटी के माध्यम से
जो भी काम होते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो डीबीटी के माध्यम से जो एलपीजी का सीधा क्रेडिट है, उसका जो सब्सिडी है, वो सीधा बैंकों के जो लाभार्थी है उसके खाते में जाता है, या इसके अलावा और भी किसी तरह का बेनिफिट जो होता है लाभार्थी को, वो उसके सीधे अकाउंट में जाता है, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट के लिए निम्नलिखित से कौन सा सॉफ्ट स्किल नहीं है। जैसे एक्टिव लिसनिंग, मैंने सही से सुनना, 10 साल का अनुभव, सकारात्मक और आत्मविश्वास, इसमें से कौन सा सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। उत्तर है 10 साल का अनुभव, मतलब ये सॉफ्ट स्किल नहीं है। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तंत्र के माध्यम से भारत के भीतर धन प्रसंग, मतलब जो विद इन इंडिया है, इसमें से किसके माध्यम से किया जा सकता है। देखिए, स्विफ्ट है, यूपीआई स्विफ्ट है, आरटीजीएस एनईएफटी है, स्विफ्ट और आरटीजीएस है। तो उत्तर है आरटीजीएस और एनईएफटी, क्योंकि इसके माध्यम से ही जो विद इन कंट्री है इसमें धन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं ये देश के बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैंक जमा खातों में नामांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब नॉमिनेशन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है, इसको गौर से पढ़िएगा। जो सही उत्तर है वो ये है कि एक एकल जमा, मतलब जो सिंगल डिपॉजिट व्यक्ति नामांकित कर सकता है, जिसे डिपॉजिटर के डेथ की स्थिति में उस खाते में जमा राशि का भुगतान बैंक द्वारा उस नॉमिनी को किया जा सकता है। नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सभी को अपने खाते में नॉमिनेशन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ये जो है सो जो नाबार्ड द्वारा एक किसान क्लब जो शुरू किया गया 2005 में, इसमें से सबसे अच्छी तरह से इसे कौन परिभाषित करता है, उसको वर्णित करता है। तो उत्तर जो है वो ये है कि जो फार्मर्स क्लब है ये एक इनफॉर्मल क्लब है जिसमें नाबार्ड सपोर्ट फाइनेंशियल देता है, और बैंकें या एनजीओ या कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी मिल करके फार्मर्स क्लब को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो हैंड हेल्ड डिवाइस है, जो हाथ में डिवाइस रखते हैं, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। इसे शाखा बैंकिंग कहते हैं, कहीं भी कनेक्टिविटी की समस्या से बचने के लिए ऑफलाइन काम करता है, इसमें 100 ट्रांजेक्शन तक का बैटरी बैकअप है, और बैंक ऑफलाइन लेन देन डेटा सर्वर को अपलोड करने के लिए केवल लेन देन की सीमा तय कर, इसमें से कौन सा कथन सही है। जो हैंडलेन डिवाइस है इसे हम शाखा रहित बैंकिंग मॉडल, जो सिर्फ ये डिवाइस है तो बैंक में जो भी आपको सुविधा है वो इससे मिल सकता है, इसलिए इसे शाखा रहित बैंकिंग मॉडल कहा जाता है। क्रॉस सेलिंग क्या है, हमने बहुत सुना है क्रॉस सेलिंग किसको कहते हैं। तो क्रॉस सेलिंग वो है जिसमें जो ब्रांच के कस्टमर हैं उनसे जो बैंक के और भी प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करना होता है, इसको कहते हैं हम क्रॉस सेलिंग। जैसे मान लीजिए डिपॉजिटर है तो उसको हम इंश्योरेंस दे रहे हैं या म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, तो इसको हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। जो एटीएम है, एटीएम कार्ड का उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है, देखिए इसमें एटीएम जो है एटीएम पे लेन देन के लिए कर सकते हैं, किसी व्यापारी पे पीओएस से लेन देन के लिए कर सकते हैं, या इंटरनेट पे ऑनलाइन लेन देन। सो एटीएम का प्रयोग, जो एटीएम कार्ड है उसका उपयोग हम इन सभी दिशाओं में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो सीएसपी है उसमें जो लेन देन करने के समय में कौन सा एक गलत कदम है, ध्यान रखिएगा इसमें सही कदम नहीं गलत कदम के बारे में पूछा गया है। तो जो गलत कदम है वो ये है कि जो डेटा है, जो पैसा निकालेंगे तो उसका जो डेटा है वो टर्मिनल के साथ साथ स्मार्ट स्मार्ट कार्ड में कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, तो ये जो है इसका एक गलत उत्तर है। 26 है, वर्तमान में केवाईसी के लिए 6 आधिकारिक रूप से वैध ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। ये इस किताब में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई इन 6 डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियली वैलिड बैंकों में माना गया है। इसमें पैन, आधार, पासपोर्ट, जो आपका चुनाव का कार्ड मतलब वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा द्वारा जॉब कार्ड, ये जो है सो 6 ऑफिशियली वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं। 27 क्वेश्चन है, भारत में नेट प्रोग्राम के तहत शुरू की गई योजनाओं में से एक है, जो नेट का प्रोग्राम है इसमें से कौन सी योजना है। तो ये जो योजना है इसमें
जो क्वेश्चन नंबर 28 है, जब कोई बैंक ग्राहक बैंक में खाता खोलकर पैसा जमा करता है तो बैंक और उसके ग्राहक के बीच में संबंध होता है। यदि पैसा उसने जमा किया तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? जमा करने वाला क्या है? क्रेडिटर। और जो निकालने वाला है वो है डेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक का कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक काम ऐसा है जो बैंक जिसको नहीं करता है? गौर कीजिएगा, करने वाला नहीं, नहीं करता है। तो उत्तर है ग्राहक की व्यवसायिक गतिविधियों को उसकी ओर से चलाने का, मतलब जो 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 कस्टमर है उसके बिजनेस को चलाने का काम बैंक नहीं करता है। इसके अलावा जो बाकी के तीन काम है वो बैंक करता ही करता है। ई केवाईसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ई केवाईसी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? मतलब यह जो है ई केवाईसी एक कागज आधारित केवाईसी का एक विकल्प है। इसमें कोई पेपर की जरूरत नहीं होती है और जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या समय और इसके प्रयास को कम करता है और कॉन्फिडेंशियल होता है। ये ई केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक, इसमें कोई पेन एंड पेपर की जरूरत नहीं होती है। आपने थंब इम्प्रेशन दिया और ये ई केवाईसी आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायक सेवाओं का हिस्सा नहीं है? मतलब जो बैंक के एंसिलियरी सर्विसेज देते हैं, देखिए मेन काम है और एंसिलियरी काम है, तो इसमें से कौन सा एंसिलियरी सर्विसेज का हिस्सा नहीं है? आवर्ती जमा खोलना, म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों की बिक्री, डीमैट और उपरोक्त सभी। उत्तर है आवर्ती जमा खोलना। एक्चुअली जो रेकरिंग डिपॉजिट खोलना है या आरडी खोलना है ये बैंक का मेन काम है, ये एंसिलियरी नहीं है। बाकी जो तीन है ये जो है बैंकों का एंसिलरी वर्क हो सकता है, इसलिए इसमें ये एंसिलरी वर्क में नहीं आता है, आरडी इसका मेन काम है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल एटीएम का सही विवरण करता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब ए वर्क साइट एटीएम। एक नया टर्म है, देखिए इसको हम कहते हैं वर्क साइट एटीएम। वर्क साइट एटीएम वो होता है जो किसी किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी फैक्ट्री में वहाँ के एम्प्लाई के लिए सारी सुविधाओं देने के लिए वहाँ पे बैंकें उसको स्थापित करती है, उसको हम वर्क साइट एटीएम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो फंक्शनिंग ऑफ बीसीबीएफ है उसको जो रिस्क टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए गौर कीजिएगा, आजकल जो क्वेश्चन आता है ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सही है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, मतलब आपकी जानकारी थोड़ी डीप में ये टेस्ट करता है। तो इसको गौर से पढ़िएगा चारों क्वेश्चन को, ऐसे पता ये चलेगा कि जो लास्ट वाला है बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के अलावा जो पिन से संबंधित मुद्दा है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट के स्तर पे हल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिन का जो मामला है ये ब्रांच लेवल पे हैंडल होता है। तो इसको छोड़ करके जो ऊपर के तीन हैं वो बीसी लेवल पे हो सकता है, इसलिए जो डी है ये मतलब इस बीसीबीएफ के काम में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 34 है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के काम को सही से या उसके व्यक्तित्व को सही से उसका वर्णन करता है, इसमें से कौन सा पथ्य है, कौन सा स्टेटमेंट है? बीसीए बैंक और आर्थिक रूप से बहिष्कृत लोगों के बीच एक मध्यस्थ का पुल है। बीसीए अनेक शाखाओं वाले अत्यधिक बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्र में बैंक का एक चेहरा है। बीसीए बैंकिंग वित्त संबंधित मामलों को सीधे सहायता करने की आवश्यकता नहीं है और बीसीए की सफलता केवल उस प्रभावशीलता पर निर्भर करती है जिसके साथ वह बैंकरों के साथ संवाद करने में सक्षम है। अब यदि गौर कीजिएगा तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बीसीए बैंक और आर्थिक रूप से एक्सक्लूडेड जो बहिष्कृत लोग हैं उनके बीच एक ब्रिज का काम करता है। तो ये एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट को बिल्कुल सही से वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि व्यावसायिक चक्रों में गिरावट के साथ यदि आपके बिजनेस के साइकिल में गिरावट आती है, उपभोक्ता वित्त या वाहन ऋण जो कंज्यूमर लोन या व्हीकल लोन होते हैं उसमें जो एनपीए होता है उसमें क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? यदि व्यवसाय में गिरावट होगी तो जाहिर सी बात है एनपीए क्या होगा, बढ़ेगा। ये बिल्कुल उल्टा उसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 36 है,
बिजनेस करस्पोंडेंट एजेंट के लिए सक्रिय श्रवण अच्छे संचार का एक मतलब जो एक्टिव लिसनिंग है, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहलू है। इसमें से कौन सा इफेक्टिव लिसनिंग के रूप में सुनने का फायदा देता है? यदि इफेक्टिव लिसनिंग है तो यह ग्राहक की जो वास्तविक जो उसका एक्चुअल फाइनेंशियल नीड है उसको समझने में हेल्प करता है, यदि एक बीसीए के पास एक्टिव लिसनिंग का स्किल है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित से कौन सा विलफुल डिफॉल्टर का संकेत है? मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर डिफॉल्टर है उसका इसमें से कौन सा है उसका उसके बिहेवियर का इंडिकेटर है? उत्तर है, वे किसी न किसी बहाने से रिकवरी एजेंटों की कॉल का जवाब देने से बचते हैं, मतलब आपको एवॉइड करता है वो, तो ये जो है सो विलफुल डिफॉल्टर का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक चार्ज कार्ड किसके समान होता है? चार्ज कार्ड जो बेसिकली एक क्रेडिट कार्ड के समान होता है, जिस पे आप एक निर्धारित मूल्य के लिए सामान खरीद सकते हैं और महीने में उसका भुगतान करना होता है। ये चार्ज कार्ड एक क्रेडिट कार्ड के समान ही होता है। यदि BCBF एक व्यक्ति है तो निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड सही है, मतलब BCBF की जो एलिजिबिलिटी है इसमें से कौन सा सही है? उत्तर है, जो BCBF है वो जो ऑपरेशनल एरिया है उसका स्थायी निवासी या कम से कम 3 सालों तक उस गांव में रह रहा हो। क्वेश्चन नंबर 40 है, जो भारत इंटरफेस फॉर मनी है भीम, उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? गौर कीजिएगा, यहाँ पे सही नहीं पूछ रहे हैं, भारत भीम के बारे में इनमें से चारों में से 3 चीज़ें सही होंगी, जो गलत है उसके बारे में ये प्रश्न है। गौर से पढ़िएगा इसको। इसका उत्तर है, भीम जो है इसका उपयोग छोटे मूल्य के भुगतान के लिए नहीं, मतलब ये इसलिए गलत हो गया कि भीम का उपयोग जो स्मॉल वैल्यू के पेमेंट्स होते हैं उसके लिए इनफैक्ट होता है, इसलिए सिर्फ इसमें भुगतान के लिए नहीं करने की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किस निकाय के तहत ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग लोकपाल योजना है वो कौन सी अथॉरिटी के अंदर में चलाई जाती है? उत्तर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के तहत बैंकिंग ओम्बड्समैन या लोकपाल की योजना चलती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शैक्षिक ऋण राशि निकालते समय निम्नलिखित में से किस खर्च की, आप जब एजुकेशन लोन देते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके लोन का अमाउंट डिसाइड होता है। ये पूछा जा रहा है कि भाई एजुकेशन लोन के टाइम में इसमें से कौन से कंपोनेंट को कंसीडर बैंक वाले नहीं करते हैं? उत्तर ये है, जो छात्र का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर या उसका जो जीवन बीमा का प्रीमियम है वो उस पर कवर नहीं होता, इसके अलावा जो ऊपर के 3 हैं वो एजुकेशन लोन में कवर होता है, मतलब जो वहाँ का फीस है, हॉस्टल का फीस है, किताब है, लैपटॉप है या आपके ट्रैवल का खर्चा है, ये सारी चीज़ें एजुकेशन लोन में कवर होते हैं, एक्सेप्ट जो इंश्योरेंस है उसके प्रीमियम को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 43 है, दोहरी प्रविष्टि बही खाते पद्धति के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? फिर गौर कीजिएगा, यहाँ भी गलत पूछ रहे हैं, और पूछ क्या रहे हैं, जो आपका डबल इंट्री सिस्टम होता है, मतलब डबल इंट्री का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की इंट्री 2 जगह होती है, डेबिट में और क्रेडिट में, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, डबल इंट्री के जो अकाउंटिंग होता है उसमें जो लेन देन की रिकॉर्डिंग है वो कहीं भी हो, बट लेन देन की रिकॉर्डिंग इक्वल होती है, असमान नहीं हो सकती, जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, तभी ये मैच करता है, तो ये जो है सी इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू डबल इंट्री बुक कीपिंग। जो 44 नंबर है ये मुद्रा लोन के बारे में है, और इसमें से जो मुद्रा लोन का वर्गीकरण है शिशु, किशोर और तरुण, इसके बारे में पूछा गया है। ये बहुत आसान सवाल है, बार बार आता है, मुद्रा लोन के बारे में ध्यान रखिएगा, किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के ये सवाल पूछते हैं, तो इन तीनों की जो सीलिंग्स है और इसका जो रेंज है लोन का, इसके बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है। उत्तर है, शिशु 50,000, किशोर 50 से 5 और तरुण 5 से 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 45 है, बैंकों के लिए वित्तीय शिक्षा के महत्व के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन गलत है? देखिए, फिर गौर कीजिएगा, यहाँ पर क्या सही है नहीं पूछ करके क्या गलत है ये पूछा जा रहा है।
तो फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में इसमें से कौन सा गलत है? देखिए, उत्तर है सी, जानकार उपभोक्ता निवेश और अन्य वित्तीय उत्पादों के चयन में अधिक अटकल है। इनफैक्ट जो जानकार कंज्यूमर होगा वो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में अटकल नहीं लगाएगा, उसे तो जानकारी होगी। इसलिए ये जो सी है ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित तकनीकी उत्पादों में से कौन सा वित्तीय समावेशन में, कौन सा फाइनेंशियल इंक्लूजन में रेलिवेंट नहीं है? उत्तर है CTS, जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनफैक्ट पार्ट नहीं है, जबकि EKYC, AEPS या IMPS ये सभी के सभी वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि यदि कोई कस्टमर ओवरड्राफ्ट या लोन लेता है तो उसका और बैंक के बीच में क्या संबंध है? उत्तर है उसका और बैंक के बीच में क्रेडिटर और डेटर का संबंध है, मतलब जो बैंक है वो क्रेडिटर है और जो लोन लेने वाला है वो डेटर है, लेनदार और देनदार। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि कोई व्यक्ति बैंक के ग्राहक से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है तो उसके बारे में खाते की जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति का अनुरोध क्या है और इसे बैंकर को क्या करना? देखिए, ये क्वेश्चन शुरू में भी हमने देखा था, जो भाई कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, ये उसी से मिलता जुलता सवाल है। इसमें यह है कि ऐसे व्यक्ति का अनुरोध जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, मतलब संदर्भ से बाहर है, और इसे हमें बैंकर को खुलासा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 रुपए डेबिट कार्ड के बारे में है, रुपए डेबिट कार्ड के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? रुपए डेबिट कार्ड के बारे में इसमें से जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी है वो सही है, NPCI द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है और सभी ATM POS में स्वीकार होता है। इसमें गौर कीजिएगा, NPCI द्वारा इंट्रोड्यूस्ड है, बट ये जो इशू किया जाता है ये बैंकों द्वारा किया जाता है, इसलिए सही उत्तर सी है। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, वो है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, बहुत ही आसान है कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सो टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ब्याज की राशि, मूल राशि, ब्याज दर और समय की अवधि, मतलब PRT। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, PRT। और कीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है, जो रेट है वो ऊपर और 100 नीचे। इस तरह करके हम ब्याज, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका ब्याज निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारे 50 प्रश्नों का हमारा वीडियो नंबर 3, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों के माध्यम से जो हमारे 3 सीरीज हो गए, इन सबको पढ़ के और आप BCBF एग्जाम में जरूर सफल होंगे। अपने कमेंट्स बताइएगा, और तब तक के लिए मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।